हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर स्टेइंग हैप्पी एंड हेल्दी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक कुर्ती सेट, एक सिंगल कुर्ती और एक ओवरसाइज शर्ट का यूज़ करने वाले हैं और उससे हम कुछ और चीज़ें बनाने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कुर्ती सेट मैंने लिया है, इसको मैं पहन के आपको दिखा रही हूँ। ये कुर्ती सेट काफ़ी कंफर्टेबल है, हो सकता है काफ़ी कॉमन भी आप लोगों के पास भी किसी के पास हो। थोड़ा मुझे इसको टाइट सा लगता है और कपड़ा बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं इसको कॉर्ड सेट में कन्वर्ट करने की सोच रही हूँ। दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है, दुपट्टे का कुछ और यूज़ हम करेंगे। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी क्रश्ड है क्योंकि ऐसे ही रखा हुआ था काफ़ी दिन से। प्लीज़ डू नॉट जज। तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको उल्टा कर लिया और बीच में जो हम बीच की सिलाई है ना, जो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन को कनेक्ट करता है, उसको हम खोल लेंगे। और एक बड़ी सी सेफ्टी पिन मैंने ले ली है और इस सिलाई को मैं खोलने लगी। तो थोड़ी देर की मेहनत के बाद ये दोनों पोर्शंस अलग हो जाते हैं और जो लोअर पोर्शन है इसमें हम मार्किंग करेंगे और इसी से हम टॉप बनाएंगे। तो इसके लिए काफ़ी क्रश्ड है तो मैंने इसको आयरन किया है। आयरन करने के बाद अपर पोर्शन में जो स्लीव्स हैं, मैं उन्हीं को यूज़ करने वाली हूँ और इसको मैं रखूँगी और इसमें मार्क करूँगी अपने अकॉर्डिंग। मुझे काफ़ी लूज चाहिए क्योंकि मुझे टाइट कपड़े वैसे भी पसंद नहीं है, तो मैंने इसके स्लीव्स भी हटाने हैं। मैं इसको स्लीव्स को हटा रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें मार्किंग कर लूँगी अपने अकॉर्डिंग, जितनी लेंथ आपको रखनी है, जितनी विड्थ आपको रखनी है। अगर आप को सिलाई नहीं भी आती है ना, आप इसके ऊपर अपनी कोई कुर्ती या कोई टॉप रखकर उससे 2-2 इंचेस एक्स्ट्रा काट लीजिए और इजीली बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लूज़ मैंने इसको काटा है और काटने के बाद इसको सिलने की बारी आती है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं नेक से। नेक का डिज़ाइन जैसे आपने दिया है ना, वैसे एक पट्टी काट लेंगे और उसको नेक के साथ रख रख के अटैच कर लेंगे और फिटिंग की सिलाइयाँ दे लेंगे। आप चाहें तो स्लीवलेस भी बना सकते हैं, मैंने वही वाली स्लीव्स इसमें अटैच की और इसको बाद में दिखाऊंगी कैसा बना। आइए नेक्स्ट में जाते हैं। तो नेक्स्ट के लिए मैंने लिया है ये ओवरसाइज शर्ट है मेरे हस्बैंड की, ब्लू, लाइट ब्लू कलर की, और उसी से मैच करता हुआ मेरा एक कुर्ता भी था जो मैं काफ़ी पहन चुकी हूँ। इसमें क्रॉस स्टिच सा डिज़ाइन बना हुआ है, विशुद्ध की कुर्ती, काफ़ी कम्फर्टेबल कपड़ा है और ये ना अच्छा भी लगता है। तो मुझे लगा कि मैं उसका शर्ट बनाती हूँ और इस जो कुर्ती है मेरी उससे पजामा बनाती हूँ और अपने बेटे लेके नाइस सूट रेडी करती हूँ। तो इस आप देख सकते हैं इसमें मैं कोई नाथ नहीं ले रही, उसका नाइट सूट जो उसके पास है उसी को रख रख के मैं काट रही हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मतलब आपको सिलाई आती हो, मेजरमेंट आता हो, रख रख के भी कर सकते हैं यार, कुछ चीज़ तो हम देख देख के सीख जाते हैं ना। पर मैंने इसमें एक बड़ी गलती ये कर दी, जब मैंने इसको काटा नेक है ना, इसका आगे पीछे का मैंने वी शेप दे दिया क्योंकि आगे तो मुझे कॉलर अटैच करनी थी। कॉलर तो यही वाली मैं अटैच करूँगी लेकिन पीछे साइड भी मैंने इसको कटिंग कर दी। दोनों को अलग अलग काटना था लेकिन एक ही साथ काट दिया, ये भयंकर सी मेरी एक ब्लंडर हो गया। लेकिन इसको मैंने बाद में सॉल्व कर दिया, स्लीव्स कट कर दी और उसी कॉलर को मैं अटैच करने वाली हूँ। तो कॉलर के को मैं खोल रही हूँ, इसमें डबल कॉलर होता है ना, वो नीचे वाला हटा के ऊपर वाला मैं उसी में अटैच कर दूँ। तो जिस ब्लेंडर की मैं बात कर रही थी ना, वो था ये देखिए, पीछे का नेक भी मैंने इतना डीप काट दिया था। तो मैंने क्या किया, अब स्लीव से थोड़ा सा सेम कपड़ा लेकर के इसको मशीन से ही सिलाई दे दूंगी। ये मशीन लेने का एक फ़ायदा है कि इसमें काफ़ी तरह के डिज़ाइंस बन जाते हैं, एम्ब्रॉयड्री होती है, रफ्फू भी होता है, पीको भी होता है। जब ले रही थी तो सोच रही थी क्यों ले रही हूँ, लेकिन काफ़ी यूज़ कर लिया तो इस तरह से मैंने इसको रफ्फू दे दिया। मतलब आता है ना ऐसा डिज़ाइन, सेल्फ डिज़ाइन सा बन गया, अच्छा लग रहा था।
और आपको कुछ सुनाई भी दे रहा होगा साथ में मशीन के साथ साथ ना, वो है कहानी सुन रही हूँ। कहानी सुनते सुनते काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग गाने सुनते हैं और मैं कहानी सुनती हूँ, तो बस ऐसे ही काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो देखिए कहानी सुनते सुनते मैंने भी अपना काम कर डाला, शर्ट बनकर रेडी हो गई है। अब आती है पजामे की बारी। तो पजामा मैंने ले लिया है नाप के लिए, और कुर्ते का जो लोअर पोर्शन है ना जिसमें डिज़ाइन नहीं है, मतलब जो क्या घेर बोलते हैं जिसको, घेर है, उसमें से मैंने पजामे का शेप दे दिया उसको, पजामे को रख करके, और इसमें सिलाई दे देंगे जितनी फिटिंग, जितना लूज़ आपको चाहिए, जितना लेंथ चाहिए और जितनी वेस्ट चाहिए वैसे देते रहेंगे सिलाई। तो देखिए शर्ट तो मैंने आपको पहले दिखाई थी और ये पजामा भी बनकर रेडी हो गया। तो आइए अब है हमारे फाइनल रिवील की बारी, देखते हैं कौन सेट कैसा बना है और कैसा लगता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की मेहनत, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलेंगे जल्द ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।